नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के दौरे पर आए जेपी नड्डा पिथौरागढ़ और विकासनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद देर शाम देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी की मीटिंग ली और इस मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पार्टी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह समेत टिहरी सीट के सभी विधायक मौजूद थे। मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभावार चुनावी कार्यक्रम की समीक्षा की। शुक्रवार को जेपी नड्डा हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां उनका साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है और एक रोड शो भी होना है। उत्तराखंड में लोकसभा का दंगल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री धामी ने आज विकासनगर और पिथौरागढ़ में बड़ी जनसभा की है, कांग्रेस पर हमले किए, साथ ही रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया। जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। उत्तराखंड में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन की हैट्रिक लगाना चाहती है और यही वजह है कि मतदान से पहले बीजेपी के टॉप लीडर ने उत्तराखंड में तूफानी चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं। सैनिकों की धरती पिथौरागढ़ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर जहां कांग्रेस को घेरा, तो वहीं पीएम मोदी की पीठ भी थपथपाई। और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम वन रैंक वन पेंशन भी दिया गया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया। एक विकसित भारत की और मोदी जी की गारंटी की चाबी है, उस चाबी को हम सब लोगों ने संभाल के रखना है और उत्तराखंड की जो पांचों लोकसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। नड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर मोदी और धामी सरकार ले जा रही है। सीएम धामी का भी दावा है कि राज्य की पांचों लोकसभा सीट बीजेपी जीतने जा रही है, लेकिन जीत का अंतर बढ़ाने के लिए मतदान तक कमर कसनी जरूरी है। आम पब्लिक में बहुत बड़ा उत्साह है और जो कार्यकर्ता है उनका भी उत्साह, क्योंकि पार्टी के हमारे मुझे लगता है कि जो हमारा जीत का मार्जिन है वो एक रास्ता होने वाला है। जो रुझान हमको देखने को मिल रहा है, जो उत्साह लोगों के मन में देखने को मिल रहा है और जो जिस तरीके से लोग माननीय मोदी जी की रैली में आए, आज नड्डा जी की रैली में कुर्सियां कम पड़ रही हैं, ये दिखाता है कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले 19 तारीख को जब वो वोट देने जाएंगे तो वो वोट विकास के नाम पर होगी, मोदी जी के ऊपर विश्वास के नाम पर होगी। बीते चुनाव की तरह इस बार भी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होना है। ऐसे में चुनावी रैलियों और सभाओं के जरिए बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के साथ ही अपने वर्कर्स को रिचार्ज भी कर रही है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां जूना अखाड़ा में साधु संतों से मुलाकात करेंगे और साथ ही आर्यनगर चौक से ऋषिकुल चौक तक मेगा रोड शो करेंगे। शाम को ऋषिकुल ग्राउंड पर होने वाले बीजेपी के त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। बूथ स्तर के करीब 14,000 कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा संवाद करेंगे। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। वीरेंद्र रावत ने रुड़की शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें जितना सम्मान कांग्रेस ने दिया है उसका एक चौथाई भी बीजेपी में वो सम्मान नहीं पाएंगे। बीजेपी में उनके जाने के चैनल के माध्यम से जो लोग गए हैं उनको भविष्य की बधाई देता हूं और एक बात जरूर कहूंगा, जितना सम्मान उनको कांग्रेस में मिला अगर उनका एक चौथाई भी वहां मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस की एक रणनीति बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस के तर्कश में सवालों के ऐसे तीर हैं जिससे बीजेपी परेशान हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट।
बीजेपी भले ही लोकसभा चुनाव को पीएम मोदी के इर्द गिर्द रखना चाहती हो, लेकिन विपक्षी कांग्रेस मोदी के इतर बीजेपी के सांसदों के कामकाज को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार कर रही है। विशेष तौर पर पिछले 10 सालों में बीजेपी के पांचों सांसदों का काम कांग्रेस के सवालों के केंद्र में है। रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, किसानों की दुर्दशा और जो दलित शोषित समाज है, वंचित समाज है, कमजोर तबके का उत्पीड़न, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, आबादी बेखौफ हो चुका है, बेलगाम हो चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशी जहां भी प्रचार करने जा रहे हैं, वो जनता से सीधे पूछ रहे हैं, क्या आपके बच्चों को रोजगार मिला, क्या सिलेंडर कांग्रेस के जमाने से सस्ता हुआ, या आपके गांव मोहल्ले में सांसद ने कौन सा विकास कार्य किया। के वर्तमान सांसद उन्होंने पिछले 5 साल में क्षेत्र में क्या किया, वो अपनी सांसद निधि का 40% से ऊपर खर्च नहीं कर पाए, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो आपको सरकार ने दिया था जनता की भलाई के लिए, विकास कामों के लिए, आप उसको उसे खर्च नहीं कर पाए, यानी आपके पास या तो आप उदासीन रहे क्षेत्र के प्रति या आपके पास कोई विजन ही नहीं था। जाहिर है कांग्रेस के ये तीखे सवाल बीजेपी को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि सीधा हमला बीजेपी के सांसदों पर है जो कमल के निशान पर चुनकर पिछले 10 सालों से उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर काबिज हैं और पार्टी फिर से चुनाव की दहलीज पर खड़ी है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का प्रचार अभियान जारी है। अनिल बलूनी ने आज रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर और क्यूंजा घाटी में प्रचार किया, जनसंपर्क किया। यहां बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया था। बलूनी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन के बाद अनिल बलूनी ने कई गांवों में जनसंपर्क किया। चोपता, दुर्गाधार, मैकोटी, चंद्रनगर, मोहनखाल में उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। अनिल बलूनी ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है और जबरदस्त जीत बीजेपी हासिल करने वाली है। भारी मतों से उनकी जीत तय है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का कहना है कि वो गढ़वाल के पलायन पर ठोस प्लान बना चुके हैं और अगले 1 साल में इस प्लान का असर भी दिखने लगेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अपमान करते रहे तो अब किस मुंह से वो वोट मांगेंगे। एक नाम कुछ साल पहले चला कि जो बिल्कुल गांव छूट गए हैं, ऐसी तादाद बहुत ज्यादा है पहाड़ों में, पौड़ी में भी है, आसपास के जिलों में भी है। ये समस्या है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। पलायन को रोकेंगे और रोजगार देंगे। और मैं कब से लगा हूं आप तो जानते हैं, मैंने जो किया अपना वोट अपने गांव, यही था कि कम से कम वोट डालने जाओगे, फिर एक त्योहार अपने गांव मनाओ, फिर एक शादी ब्याह अपने गांव करो। हमारे पास पूरी योजना है भविष्य में। मैं अनुपम जी आज आपको कह रहा हूं, मैं 1 साल के अंदर आपको क्रांति करके दिखाऊंगा इसमें पलायन की। राजनीति में बीच बीच में चुनाव में कहीं उठा वो है अंकिता भंडारी को लेके, एक लड़की थी उसके जिन पे एक्यूजेशन था, जिन पे आरोप था, वो जेल में है, मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी ये चुनाव में कई लोग उठाते हैं, इसको किस दृष्टि से देखते हैं। देखिए, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये लोग कुछ ना कुछ विपक्ष के लोग कर रहे हैं। तो हम किसी भी हालत में, हमारा कोई भाई बहन, हमारी बेटी हो, उसके साथ कुछ गलत हो वो नहीं करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं खुद बहुत नजदीकी से चीजों को देख रहा हूं, अगर मुझे कहीं लगेगा तो सबसे पहले अनिल बलूनी बोले। उत्तराखंड की 5 सीटों को लेकर जन की बात ने ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें बीजेपी को 5 सीट पर बंपर जीत मिलती दिख रही है। जन की बात के पोल के मुताबिक राज्य की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी को 60% से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। साथ ही पोल के मुताबिक हरिद्वार में 50% से ज्यादा वोट के साथ बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा टिहरी सीट पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 70% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं इस पोल के मुताबिक। जन की बात पोल के मुताबिक साल 2014 और 2019 की ही तरह 5 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल कर सकती है और पोल के मुताबिक बीजेपी पहाड़ की सीटों पर हैट्रिक लगा सकती है। कांग्रेस इस वक्त चौतरफा संकट से जूझ रही है। न पैसे का इंतजाम है, न प्रचार का कोई काम है। हालात ये है कि उम्मीदवारों के हाथ फैलाने की नौबत आ गई है तो बड़े नेता प्रचार से दूर नजर आ रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब हो जाएगी शायद ही किसी ने सोचा होगा। उम्मीदवार बिना पैसे के परेशान हैं। हाथ के निशान वाली पार्टी के उम्मीदवार जनता के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाने को मजबूर हो गए हैं। हाईकमान से अब तक उम्मीदवारों को चवन्नी भी नसीब नहीं हुई तो पौड़ी से पार्टी उम्मीदवार को जनता से फंड जुटाने के लिए QR कोड जारी करना पड़ा। प्रदेश संगठन का कहना है कि यही हाल सभी उम्मीदवारों का है। देखिए, कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ा रही है और गुदियाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। एक नोट एक वोट, आप वोट भी दीजिए और मदद भी करिए, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के खाते सीज कर दिए, ईडी और इनकम टैक्स पीछे लगा दिया, पार्टी को पैसे खर्च करने नहीं दिए जा रहे, मटेरियल छाप रहे हैं तो तमाम तरीके के ऑब्जेक्शन आ जा रहे हैं, रिजेक्ट कर दे जा रहे हैं, कोई भाषण दे रहे तो नोटिस आ जा रहा है, तो भाजपा तो सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। हाल इससे भी बुरा है, खर्चे से परेशान उम्मीदवार कई जगहों पर ऑफिस नहीं खोल पाए हैं, तो कांग्रेस में कैंपेन कमेटी चेयरमैन तक तय नहीं हुआ है। कभी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे हरीश रावत अपने बेटे के कैंपेन को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, तो हरीश रावत के प्रतिद्वंदी और मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रीतम सिंह भी अब तक टिहरी सीट से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अब सिर्फ 12 दिन का चुनाव प्रचार बचा है, लेकिन प्रभारी से लेकर कोई बड़ा नेता चुनाव की चिंता में हर तरफ दौड़ता नहीं दिख रहा। उत्तरकाशी और अपनी विधानसभा में गया, उससे पहले मैं विकास नगर में भी गया, उससे पहले मैं सैंसपुर में भी गया। ये जरूरी नहीं कि जब चुनाव डिक्लेयर हो जाए तभी आप कहीं उपस्थिति दर्ज कराएं, और मैं गया हूं और आगे भी जाऊंगा, सब जगह जाएंगे। लोकसभा क्षेत्रों में मैं 6 को जो हूं, क्या नाम है, जसपुर और काशीपुर जा रहा हूं, बाकी जगहों पर नजर नहीं दौड़ा। आप देखे तो आएंगे, सब लोग निकलेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के 12 दिन बचे हों और पार्टी में ना कैंपेन का पता हो, ना कैंपेन के चेयरमैन का, ना हेलीकॉप्टर का पता हो, ना चुनावी ऑफिस का, ना पैसे का पता हो, ना प्रचार का, तो उस पार्टी के उम्मीदवार और बड़े नेता किस मुंह से 4 जून को बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच हरक सिंह रावत ने चुप्पी साध ली है, तो वहीं विपक्ष के नेताओं के लिए रेड कारपेट बिछाकर बैठी बीजेपी भी हरक सिंह पर खामोश दिख रही है। अब क्या है पर्दे के पीछे की हकीकत, देखिए ये रिपोर्ट। ।2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हरक सिंह रावत अब फिर से बीजेपी में जाने को बेताब है। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप से कई राउंड की बातचीत कर चुके हैं। बहु अनुकृति रावत और सहयोगी लक्ष्मी राणा का कांग्रेस से रिजाइन भी इसी रणनीति का हिस्सा था, लेकिन कई कांग्रेसियों को भगवा रंग चुकी बीजेपी ने हरक सिंह और उनके करीबियों को लेकर अचानक चुप्पी साध ली है। प्रदेश नेतृत्व ने तो सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व पर बात डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अभी हरक सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है, ये कहाँ से मीडिया चलाता है आप लोग जाने। अगर वो आना चाहे हरक सिंह रावत जी का निष्कासन केंद्रीय टीम ने किया है, उनकी ज्वाइनिंग की निर्णय केंद्र नेतृत्व ही करेगा। असल में चमोली से विधायक रहे राजेंद्र तिवारी को बीजेपी में शामिल करने के बाद पार्टी के अंदर खासा विरोध हुआ और पब्लिक में गए नेगेटिव मैसेज से बीजेपी अलर्ट हो गई। हरक सिंह तो बहु अनुकृति और सहयोगी राणा के साथ ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं, लिहाजा इनमें से कोई भी बीजेपी में शामिल होता है तो विपक्ष को मुद्दा हाथ लग सकता है। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अपुष्ट बातें हैं और अभी सुनी सुनाई बातों में मेरे को कुछ नहीं कहना। उनकी पुत्रवधु ने निश्चित ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, कुछ भी हो सकता है और वी आर प्रिपेयर फॉर द ऑल, जो भी हो हम तैयार हैं। राज्य बीजेपी के भी कुछ सीनियर नेता हरक सिंह की वापसी बीजेपी में नहीं चाहते, जबकि बीजेपी नेतृत्व भी चुनाव में गलत मैसेज नहीं देना चाहता, लिहाजा यही दो वजह है जो हरक सिंह के लिए बीजेपी जाने के रास्ते में रोड़े बन रहे हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उद्धम सिंह नगर के नानकमत्ता साहिब के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, पुलिस ने 4 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया, हालांकि फरार हमलावर अब भी गिरफ्त से दूर है। पुलिस के मुताबिक हत्यावरों ने बाबा की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी ली थी।
पुलिस के मुताबिक यूपी के शाहजहांपुर में बाबा की हत्या की पूरी प्लानिंग की गई। साजिशकर्ताओं ने पेशेवर बदमाशों सरवजीत सिंह और अमरजीत उर्फ बिट्टू को हायर किया था। दोनों पर देश के कई राज्यों में पहले से ही जघन्य वारदात में केस दर्ज है। पुलिस ने शाहजहांपुर से साजिशकर्ता दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किया। दिलबाग ने ही दोनों हत्यारों को हथियार और कैश मुहैया कराए थे। साथ ही हत्या के बाद बदमाश दिलबाग के घर शाहजहांपुर गए थे। दिलबाग ने ही हत्यारों को हुलिया बदलने और भागने में मदद की। पुलिस ने इसी हत्या की साजिश में बाबा तरसेम सिंह के एक करीबी अमनदीप उर्फ काला को भी गिरफ्तार किया है। अमनदीप ने ही हत्यारों को बाबा के रूटीन की जानकारी दी थी। आपको बता दें 28 मार्च को बाबा तरसेम सिंह की हत्या हुई थी। इस बीच पुलिस ने दोनों फरार हत्यारों पर इनामी राशि बढ़ा दी है। दोनों हत्यारों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मैंने क्लियरली बता दिया कि काफी मोटिव्स इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एंगल इन्वॉल्व है, आर्थिक एंगल इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, वो बात की बात है। वी आर स्टिल कंस्ट्रक्टिंग द एविडेंस। इस केस हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड मतलब फॉर द ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, छोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। छोटी कॉन्स्पिरेसी में दो शूटर आते हैं, एक मास्टरमाइंड रहता है और 3 से 4 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। बड़ी कॉन्स्पिरेसी में काफी कड़िया जोड़ना पड़ता है और क्लियर कट हमें एविडेंस मिला हुआ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिला हुआ है, बहुत सारी हमें मतलब आई वुड से टेक्निकल एविडेंस मिला हुआ है जो क्लियर कट एविडेंस है। और भी काफी लोग हैं जो इसमें अलग अलग चीजों को उपलब्ध कराते हुए पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब चीजें उजागर। जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करके उन्हें सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी जब उन्हें सजा मिलेगी तो यहां जनता में एक भय का माहौल है वो दूर हो जाएगा। विकासनगर के ट्यूड़ी में लकड़ी के बने एक घर में अचानक ही आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बगीचे की रखवाली के लिए गणेश नाम के एक शख्स ने यहां पर यह घर बनाया था। लकड़ी के बने घर में गणेश के साथ उसका दोस्त भी रुका था। घर के किचन में आग लगी जिसके बाद पूरा घर ही आग की चपेट में आ गया। आग की चपेट में आने की वजह से चौकीदार और उसका दोस्त जख्मी हुआ, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मणिपुर में शहीद हुए कमल सिंह भाकुरी का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव बुग्गा लाया गया। शहीद कमल सिंह अल्मोड़ा के सोमेश्वर के बुग्गा गांव के रहने वाले थे। वो मणिपुर में एक नक्सली हमले में जख्मी हो गए थे जिसके बाद शहीद हुए। कमल सिंह 16 कुमाऊं रेजिमेंट में थे। जैसे ही कमल सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो भारत मां के जयकारे लगाए गए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद थी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में कई अनोखी बातें हैं। आज तक राज्य की स्थायी राजधानी तय नहीं है तो जो राजधानी है वो उसके नाम पर भी कोई लोकसभा और विधानसभा सीट तक नहीं, जबकि देश के ज्यादातर राज्यों में राजधानी के नाम पर सीटें हैं। राजधानी राज्य की पहचान होती है, पर उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। राज्य बनने की 24 साल बाद भी स्थायी राजधानी तय नहीं है तो काम चलाओ राजधानी देहरादून के नाम पर एक लोकसभा सीट तक नहीं है। लोकसभा ही नहीं, देहरादून के नाम पर एक विधानसभा सीट तक नहीं है, जबकि बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में शिमला सीट है, यूपी में लखनऊ, राजस्थान में जयपुर, गुजरात में गांधीनगर, छत्तीसगढ़ में रायपुर सीट है। उत्तराखंड में 2012 में नए परिसीमन पर विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन तब भी देहरादून नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं बनी। तो साल 1977 तक देहरादून लोकसभा सीट रही, लेकिन राजधानी बनने के बाद इस नाम से कोई सीट नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ये उत्तराखंड के इतिहास से लेकर भूगोल के नक्शे में लिखा है, लेकिन देश की संसद में देहरादून नाम की सीट से कोई सांसद नहीं पहुंचता। इस हाल के सवाल राज्य बनने के 24 साल बाद दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के पास कोई सीधा जवाब नहीं है। अभी भविष्य में परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद जो सुझाव आते हैं उसको रखा जाएगा। आज की तारीख में जो भारत का लोकतांत्रिक
दृष्टिकोण से जो लोकसभा का परिसीमन हुआ है वही नाम चल रहे हैं, लेकिन अच्छा सुझाव है, एक अवसर आएगा जब हम इन सुझावों को आगे बढ़ेंगे। निश्चित ही इस ओर को सोचा जाना चाहिए। अगर मेरी माने मैं तो चाहता हूँ कि राजधानी गैरसैंण बन जाए, ये निश्चित ही कॉन्स्टेंसी भी राजधानी के नाम से नहीं है और ये पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ इस तरीके की बात है। किसी भी राज्य की पूरी राजनीति राजधानी से चलती है। उत्तराखंड में नेताओं की पूरी दुकान देहरादून से चलती है, पर दुर्भाग्य है कि देश की संसद और प्रदेश की विधानसभा में देहरादून के नाम से एक सीट नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। गढ़वाल सीट से मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत ने सिरतोली गांव को आदर्श गांव योजना के तहत गोद लिया था, लेकिन ये गांव आज भी पक्की सड़क से नहीं जुड़ सका है। गांव में बागवानी पशुपालन को जरूर बढ़ावा मिला था, लेकिन गांव में सड़क न जुड़ पाने की वजह से लोग परेशान हैं। पौड़ी जिले के थलीसैंड ब्लॉक का सिरतोली गांव आज भी पक्की सड़क की राह देख रहा है। यह हाल तब है जब गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस गांव को गोद लेकर इसकी दिशा और दशा बदलने का फैसला लिया था, लेकिन सांसद इस गांव को पक्की सड़क से नहीं जोड़ सके, जबकि ग्रामीणों की पहली प्राथमिकता रोड ही थी, क्योंकि बीमारी की स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि गोद लेने के बाद सांसद सिर्फ एक बार इस गांव की सुध लेने पहुंचे थे। यहां पे गोद तो लिया था लेकिन काम नहीं हो पाई। मेन हमारी रोड था, आप देख लो, आप भी इसी रोड से आए होंगे, ये रोड नहीं बन पा रही है। विकास तो हुआ है, विकास लेकिन जितना कह रहे थे उतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हुआ है, ऐसे बात नहीं है, वह तो है विकास। सिरतोली गांव की मुख्य आजीविका का साधन कृषि, बागवानी और पशुपालन है। इसके लिए यहां के ग्रामीण सरकार की योजना से इस काम में लगे हैं। सरकारी योजना से मिलने वाली सब्सिडी से कीवी की बागवानी कुछ ग्रामीण कर रहे हैं। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी के लाइन बिछाने का काम अंतिम चरण में है। खेती के लिए वर्मी कॉम्पोस्ट बनाए गए हैं। ग्रामीणों के लिए पंचायत घर का निर्माण किया गया है। वहीं जंगली जानवरों के आतंक से बचने के लिए सोलर लाइट भी लगाई गई है। अमृत वाटिका निर्माण भी किया गया है। कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से जैसे ये बर्मी कंपोस्ट वगैरह का मिला है, कुछ लोगों को, दो चार लोगों को बकरी पालन का मिला है, और बाकी कोई विशेष स्टेप से कोई फायदा हुआ नहीं है। सर अभी यहाँ पे हमने ये कीवी का प्लांटेशन किया है, ये कीवी मिशन के अंतर्गत, जिसमें हमें राज्य की सहायता भी प्राप्त हुई है। इसमें 80% अनुदान पे हमने यहाँ पे किया। सरकार की योजनाओं का फायदा लेकर गांव की छवि कुछ हद तक जरूर बदली है, लेकिन ग्रामीणों को आज भी पक्की सड़क का इंतजार है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही ये गांव भी पक्की सड़क से जुड़ जाए। न्यूज 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।